सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये तकरीबन इस टाइप की होती है। इसका साइज मैंने जैसे बताया था 4.5 से 5 फीट होता है। 4.5 से 5 फीट इसकी जो मोटाई है 3 इंच से लेकर 4 इंच तक होती है। डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता ही है, कम ज्यादा भी हो सकती है। अब इसके तीन हिस्से हैं, इसके भी तीन पार्ट हैं। यहां से ही जुड़ा हुआ है छोटी आंत से। यहां से जुड़ा है कहां पे? एस साइड, छोटी आंत से यहां से जुड़ा होता है। इसको कहते हैं सीकम, CECUM, सीकम। आपको नाम नहीं याद होते कोई बात नहीं, हमें केवल आइडिया होना चाहिए कि हमारा ये डाइजेशन सिस्टम काम कैसे करता है। इसके साथ में यहां पे एक छोटा सा होता है अपेंडिक्स। कहते हैं अपेंडिक्स की दर्द होगी हमारे को, कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना। अपेंडिक्स की दर्द होगी तो अपेंडिक्स कोई काम नहीं करता, मगर जो हम स्पाइसी फूड खाते हैं, मैदा खाते हैं या कोई ऐसी चीजें खाते हैं, वो सारी की सारी जब डाइजेस्ट नहीं होती तो अपेंडिक्स के अंदर आके जमना शुरू कर देती है और फिर हमें वहां पे वो पेन होती है। फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हम इसको निकालकर डस्टबिन में फेंक देंगे। इसका ये ऊपर का जो पार्ट है इसको कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं? कोलन। कोलन के अंदर हमारा ये जो फूड आ रहा है, यहां पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज। वो बैक्टीरियाज इस जो फूड होता है, यहां से हमारा जो पानी है वो भी अलग होगा और वो जो बैक्टीरियाज है इसको फूड को खाएंगे और खाकर क्या बनाते हैं? ये दो विटामिन, एक बनाते हैं कौन सा? विटामिन के, एक बनाते हैं B12। विटामिन के और B12 जो है हमारे यहीं पर बनते हैं, उनको वो कन्वर्ट करते हैं। हमने उनको भोजन दिया, उन्होंने उसको खाकर उसको विटामिन में कन्वर्ट किया, जो विटामिन हमारे काम होते हैं। अब जो हमारा बाकी जो वेस्ट फूड बचा और पानी बचा, उसको हम आगे कैसे जाएगा वो हम जब बात करेंगे उसकी यूरिनरी सिस्टम की, तो उसके अंदर पूरी बताएंगे वो कैसे जाएगा। तो यहां से हमारा वेस्ट पाइप आ गया, वेस्ट फूड आ गया रेक्टम के अंदर, रेक्टम से एनस के अंदर, एनस से हमारा बाहर जाएगा। तो ये तो हमारा जो था डाइजेशन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हमारा पेशाब कैसे बनता है, वो वेस्ट फूड कैसे निकलता है, वो यूरिनर सिस्टम जो है अलग से कराया जाएगा आपको। तो आप साथ साथ इसकी जो फोटोग्राफ भेजी है उनकी आप एक एक फोटो निकाल के रख लीजिए, आपको बहुत मदद करेगा। अपने आप हाथ से भी आप अपने कागज के ऊपर पेपर पर बनाकर रखिएगा, जो समझना है ये पूरा सिस्टम खत्म होने के बाद तभी क्वेश्चन करना। मेरे को अभी बॉडी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं बिना बात के, अभी तो शुरू किया है, अभी खत्म कहाँ किया है, अभी 10 दिन लगेंगे आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होने में। सबसे बड़ा सिस्टम है ये हमारा, तो उसके बाद ही क्वेश्चन करना। अगर कोई बार बार मेरे को क्वेश्चन करेगा तो मैं क्या करूंगा? उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा मैं, फिर उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। परेशान मत हो आप, अगर आपको सब कुछ मालूम है तो पढ़ने की जरूरत क्या है, ग्रुप को छोड़ दो ना। अगर आप टीचर से आगे जाना चाहते हो, मेरे से आगे जाना चाहते हो, छोड़ दो आप ग्रुप को, अपने घर में बैठ के पढ़ लेना, क्या जरूरत है आपको पढ़ने की? बिना बात के आप क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते हो। अभी आपने एक वीडियो आपकी गई थी 5-6 के मेरे पास क्वेश्चन आ गए, ये क्या जी, ये क्या जी, ये क्या जी, ये क्या जी, और सुन तो लो पहले भाई पूरा। बहुत ने पूछा कि जीबी उसके साथ जुड़ा होता है, अभी मैंने आपको बता दिया ना जीबी कैसे जुड़ा होता है, दोबारा से बता देता हूं। लीवर, यहां पे जीबी जुड़ा हुआ है, ये हमारा जो डेनम वाला पार्ट उसमें जुड़ा हुआ है,
यहां पे हमारा पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इसमें जुड़ा होता है। ये लीवर, ये हमारी छोटी आंत, ये हमारा पैनक्रियाज, ये हमारा जीवी। सिंपल सा है। तो आप आगे से पहले क्वेश्चन मत किया करो, जब मैं पूछूंगा कि भाई आपका ये डाइजेशन सिस्टम खत्म हो गया, अब क्वेश्चन पूछो ना, फिर पूछना, फिर पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि अब कोई क्वेश्चन है, तब आपको कोई क्वेश्चन उस समय नजर नहीं आएगा, क्योंकि सबके आंसर दे दिए गए होंगे। अब तब तक नमस्कार, हैव अ नाइस डे।